गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकित भाटिया आपके समक्ष एक लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि सब जन जो है वो ऑनलाइन आ चुके हैं और इस वीडियो लेक्चर के जो है भागीदारी बनेंगे। अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में डालते रहिएगा, जिस तरह से भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं उसका जवाब देते रहिएगा, या कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा आज के टॉपिक के बारे में, सो आप जल्दी कोई भी कमेंट सेक्शन पे आप कुछ भी पूछना चाहें वो पूछ। सुधार की इच्छा को जन्म देने वाले कारक क्या हैं? कि ऐसा क्या हुआ कि सामाजिक और धार्मिक सुधार लाने पड़े, कई सुधारकों को सामने आना पड़ा हमारे यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक सुधार करने के लिए, तो क्या फैक्टर्स हैं, क्या कारक हैं ऐसे? तो सबसे पहला मैंने यहाँ पर कारक लिखा है रिलीजियस एंड सोशल इल, लाइक धार्मिक और सामाजिक बुराइयां। सो ऑल यू नो कि इंडिया में आपके पास वो आपको पता है कि मैजिक एंड सुपरस्टिशन, काला जादू एंड अंधविश्वास ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा था। इवन की जो मूर्ति पूजा एंड पॉलिथिज्म वाला, जो पॉलिथिज्म मतलब होता है कि काफी ज्यादा जो है वो भगवान को पूजना, तो ये कुछ आपके पास कुछ जिसे एक कैटेगरी में डाला गया रिलीजियस एंड सोशल इल कैटेगरी में, तो इनको भी सुधार करने के लिए कुछ सुधारक आए थे। देन डिप्रेसिंग पोजिशन ऑफ वीमैन, सो आप सब जन जानते हैं कि स्त्रियों की क्या स्थिति थी प्रायर टू द 19th सेंचुरी। सो अगर मैं बात करूं वीमेन्स की सिचुएशन की, तो सबसे पहले अटेम्प्ट्स टू किल फीमेल इन्फेंट्स एट बर्थ। सो आप लोगों को भी पता, आप सब जन को पता, आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि लड़कियों को जो है पैदा होने से पहले ही उन्हें मार दिया जाता था, ठीक है। तो ये एक क्या है आपके पास, स्ट्रेस्ड है, डिप्रेशन है, किसके अगेंस्ट, वीमेन के अगेंस्ट। देन पॉलीगैमी की, एक व्यक्ति का जो है वो हैविंग मोर देन वन वाइफ, सो दिस प्रैक्टिस, ये भी एक इल प्रैक्टिस है। देन सती सिस्टम, सती प्रथा से तो आप सब जो है सबको पता है कि सती प्रथा क्या होती है, राइट तो ये भी एक डिप्रेसिंग पोजीशन है एक वीमेन के लिए। एंड अगर वो सती प्रथा से वंचित रह जाती है महिला, सो उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें एक अलग एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और सोशल इंट्रैक्शन उससे छूट जाती है, तो एक तरह से वो भी एक उत्पीड़न है जहां पर उस महिला की जो जिंदगी है वो माइजरी, दुखद या ह्यूमिलिएशन में गुजरती है। अगेन रिपीटिंग, जो भी अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं, फिर से मैं शुरू कर रहा हूं, फिर से मैं बताने जा रहा हूं, टॉपिक हमारा है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कारक की, फैक्टर्स की, कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं कि जिनके कारण हमें ये आंदोलन छेड़ने पड़े, जिनके कारण सुधारकों को, रिफॉर्मर्स को ये आंदोलन छेड़ने पड़े। तो कारक क्या है, एक तो जनाब धार्मिक और सामाजिक इल, ठीक है, कि धार्मिक और सामाजिक बुराइयां, पहला कारक ये था। दूसरा, महिलाओं की निराशाजनक स्थिति, जैसे मैंने आपको बताया कि डिप्रेसिंग पोजीशन ऑफ वीमेन एज की इन्फेंट गर्ल या लड़की को जो है वो पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था। या पॉलीगैमी मतलब है कि एक व्यक्ति का अनेक जो है, एक वाइफ ने अनेक दो या तीन वाइफ्स उसकी होती थी, तो वो एक इल प्रैक्टिस है। देन सती प्रथा, सो ये एक आपके पास इल प्रैक्टिस थी, आप सब जानते हैं कि सती प्रथा जो है वो इल प्रैक्टिस है। एंड अगर कोई भी महिला सती प्रथा से वंचित रह जाती थी तो उन्हें एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता था, ठीक है, और सोशल इंट्रैक्शंस उनसे छीन ली, मतलब ऐसा उन्हें सोशल इंट्रैक्शन नहीं करने से मना कर दिया जाता था। ओके, चलिए, जितने भी जन हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, सो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन पे अगर कोई भी आपका सुझाव या क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं तो आप वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सो वेलकम इंजीनियर कौंडल लकी, विनय बेदी एंड नीतीश कुमार खन्ना, सो वेलकम, चलेगा। सो नेक्स्ट मैं आ रहा हूं आपके पास कास्ट प्रॉब्लम, ये तीसरा फैक्टर है सामाजिक की कुरीतियों में, तीसरा फैक्टर है जातिवाद।
सो आप सब लोग जानते हैं कि एक क्लासलेस सोसाइटी होना जरूरी है एंड कास्टलेस सोसाइटी होना जरूरी है, परंतु 19th सेंचुरी के अगर मैं पूर्व की बात करूं तो जातिवाद प्रथा बहुत ज्यादा, अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। तो इसी के लिए सुधारकों को आगे आना पड़ा ताकि ये ऐसी कुरीतियां जो हैं वो क्या हो जाएं, खत्म हो जाएं, समाज से जातिवाद को खत्म किया जाए। चलो, ऑपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर, नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो फैक्टर है ऑपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर का मतलब क्या है कि एज यू नो, आप सबको पता है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, ठीक है, जो पश्चिमी बात था, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो आ रहा था, फॉर एग्जांपल यूरोपियंस जो थे वो वेस्टर्न कंट्रीज में गिने जाते हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस भारत के अंदर और भारत के आपके अंदर यहां पर कल्चर में उनकी तरफ से जो सुधार लाए जा रहे थे, एक इन्फ्लुएंस ला रहे थे क्रिश्चियनिटी का, तो उसे उसके ऑपोजिशन हमने, रिफॉर्मर्स ने, सुधारकों ने कदम उठाए। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फैक्टर्स हैं, धार्मिक एंड आपके पास सामाजिक इल जो कृतियां हैं, एंड महिलाओं की स्थिति वो खराब हुई, और जातिवाद एक कारक बना, और वेस्टर्न कल्चर का, या आप कह सकते हैं कि जो पश्चिमी संस्कृति का जो विरोध जो था वो रिफॉर्मर सुधारक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट इज न्यू अवेयरनेस अमॉन्ग एनलाइटन्ड इंडियंस। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रबुद्ध भारतीयों में नई जागरूकता। सो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही जानते हैं कि कई बुद्धिजीवी हुए, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, देवेंद्र नाथ टैगोर। सो इन सब बुद्धिजीवियों ने इन कुरीतियों को खत्म करने के लिए ये आगे आए, तो एक नया अवेयरनेस, एक नई जागरूकता पैदा हुई भारतीयों में कि किस तरह से हम इन कुरीतियों को खत्म कर सकते हैं। चलिए, सो आशा करता हूं कि ये कारक आपको समझ आ गए होंगे। अब बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए हम आगे चलते हैं कि वो सुधारक कौन थे कि जिन्होंने इसकी शुरुआत की, कि सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए जिन्होंने शुरुआत की। चलिए, सो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ, आप सब जन को समझ आ गया होगा कि सबसे पहले मैंने फैक्टर्स जो है आपको बताए हैं, कारक बताए हैं कि क्या क्या कारक रहे हैं इन सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को, ठीक है जी। चलेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किसी की तरफ से आ रहा है तो वो मैं जरूर शेयर करूंगा बाद में, ठीक है जी, मैं आपको शेयर कर दूंगा। और जो भी जो जैसे तरफ से ही कॉलोनियल बनाया गया, सो उन्होंने अपने हिंदी के या हिंदू के कल्चर्स को या इंडियंस के कल्चर को काफी ज्यादा प्रभावित किया। सो इंडियंस अब चाहते हैं कि उनके द्वारा जो यहां पर चेंजेस लाए जा रहे हैं उनमें भी सुधार आए जाए कि हम उन वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस के खिलाफ जाएं। ओके ओके, सो अभिषेक सिंह गुड मॉर्निंग, चलते हैं। सो अभी मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, फर्स्ट टॉपिक। सो आप सबको पता होगा मैं जिस रिफॉर्मर की बात करने जा रहा हूं या जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करने जा रहा हूं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट राजा राम मोहन रॉय एंड दी ब्रह्मो समाज। सो राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्मो समाज। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे समाज सुधारक हैं जिनका नाम है राजा राम मोहन रॉय, और उनके द्वारा एक सभा का गठन हुआ जिसका नाम है ब्रह्मो समाज। चलिए पहले तो जान लेते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। सो जो भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए, तो एनीबॉडी जिनको पता है कि राजा राम मोहन रॉय का कार्यकाल या इनकी जन्म जो एयर है वो कहां से लेकर कहां तक है, एनीबॉडी एनीबॉडी जो जानता हो कि राजा राम मोहन रॉय का टाइम पीरियड कहां से कहां तक है। चलिए,
सो बिना किसी विलंब करते हुए मैं बता देता हूं कि इनका टाइम पीरियड है 1772 से लेकर 1833 तक। सो 22 मई 1772 को इनका जन्म होता है पश्चिम बंगाल में राधानगर हुगली डिस्ट्रिक्ट में। 22 मई 1772 कहां पर? राधा नगर, सो वेस्ट बंगाल, राइट। सो पश्चिम बंगाल के ये बुद्धिजीवी हैं, इनका जन्म होता है। चलिए आगे, इनको और किस नाम से पुकारा जाता है? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राजा रामन राय को क्या कहकर पुकारा जाता है? सो हु इज फेमसली नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी कहा जाता है, भारतीय नव जागरण का जनक भी इन्हें कहा जाता है। किन्हें? राजा राममोहन रॉय को। राजा राममोहन रॉय जिनका जन्म 22 मई 1772 को राधा नगर पश्चिम बंगाल हुगली डिस्ट्रिक्ट में हुआ। इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी कहा जाता है। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है कि दिस मैन राजा राममोहन रॉय, दिस रिफॉर्मर इज द फर्स्ट रिफॉर्मर जिन्होंने एक शुरुआत की धार्मिक और सामाजिक सुधार लाने में। सो इसीलिए एक इंडिया का पुनर्जागरण करना का श्रेय या जनक कहा जाता है किसे? राजा राम मोहन रॉय। होप दिस इज क्लियर। नाउ बात करता हूं इनका एम क्या है। सो अगेन रिपीटिंग, राजा राम मोहन रॉय 1772 टू 1833, 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ पश्चिम बंगाल, राधानगर एक जगह है हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर इनका जन्म होता है। और ये पहले ऐसे सुधारक हैं जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, और इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी कहा जाता है या भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। होप आप लोगों को सब लेजिबल होगा, अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे आप इसे, ठीक है। सो मैं इसे रुक कर रहा हूं, ओके चलेगा। सो फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, भारतीय पुनर्जागरण के जनक, और बात कर रहे हैं हम बहुत ही फेमस जो है आपके पास रिफॉर्मर या सुधारक राजा राममोहन रॉय के बारे में, ओके चलिए। अब मैं बात कर रहा हूं इनके एम की, कि इनका उद्देश्य क्या था, कि ये सुधारक थे परंतु क्या सुधार चाहते थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सुधार क्या चाहते थे, राइट? सो टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म। बताऊंगा, समझाऊंगा कि वो क्या हिंदुइज्म में क्या जो थे वो शुद्धता चाहते थे और किस तरह से उसमें चेंजेस चाहते थे, ओके देन। दूसरा इनका एम था मोनोथिज्म। मोनोथिज्म इनका दूसरा एम था, क्लियर बात? चलिए, सो दूसरा एम मोनोथिज्म। सो वेलकम ऑल ऑफ यू, जो भी ऑनलाइन है बहुत बढ़िया। सो बहुत बढ़िया, मोनिका शर्मा जी 1772 टू 1833, या सौरभ राजपूत 1783 टू 1833, नो 1772 टू 1833, ओके। सो करेक्टेड, एम की बात कर रहा हूं, उद्देश्य की बात कर रहा हूं, टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म प्लस मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मतलब क्या? एकेश्वरवाद, कि एक ही ईश्वर को मानना, ठीक है, मतलब अनेक ईश्वरों को नहीं, मतलब एक ईश्वर के मत को कुछ जो है वो मानते थे। दूसरा आइडोलेट्री। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आइडोलेट्री। होप आप सब जन जानते होंगे कि आइडोलेट्री का मतलब क्या है। आइडोलेट्री मतलब होता है मूर्ति पूजा के भी ये क्या थे, खिलाफ थे, ओके। आइडोलेट्री के बाद और क्या है ये, और किसके खिलाफ थे? कास्ट रिजिडनेस।
कास्ट रिजिडनेस का मतलब क्या है, जातिवाद के भी ये आपके पास खिलाफ थे, कास्ट रिजिडनेस। प्लस किसके फेवर में थे, अगर मैं फेवर की बात करूं, ये विडो रीमैरिज की जो थे फेवर में थे कि विधवा पूर्ण विवाह, ठीक है जी, वो आपके पास हो। तो अगेन रिपीटिंग, उद्देश्य क्या था इनका, टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के प्यूरिफाई का मतलब क्या है कि जो रिचुअल्स हैं, जैसे जो भी कर्म कांड है, कोई भी आपके पास हवन यज्ञ वगैरह, तो उनके जनरली खिलाफ हैं। मोनोथिज्म की ईश्वर अल्लाह प्रभु सब एक हैं, आइडोलेट्री मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, ठीक है। कास्ट रिजिडनेस जाति प्रथा के ये बिल्कुल खिलाफ है। एंड फेवर क्या कर रहे हैं कि जो विधवा जो है उनका सती प्रथा में जो है वो ना जो है उनको धकेला जाए, बेटर है कि उस विडो का जो है वो क्या किया जाए, रीमैरिज किया जाए। ओके, सो ये इनका उद्देश्य था। चलो तो आगे बढ़ते हैं, होप आपको उद्देश्य क्लियर हो गए होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्यूरिफाई हिंदुइज्म, मोनोथिज्म का बात मैंने बोली, एकेश्वरवाद कि ईश्वर प्रभु अल्लाह सब एक हैं, लाइक, और आपके पास कास्ट रिजिडनेस के भी जो है वो खिलाफ हैं, ओके, एंड जो है सती प्रथा के खिलाफ है, और विडो रीमैरिज के जो है ये फेवर में है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मैं बताने जा रहा हूं कि जनरली राजा राममोहन राय की जो प्रिंसिपल थे, जो सिद्धांत थे, या टीचिंग्स जो थी, टीचिंग्स या सिद्धांत मैं कह लूं, तो कहां से ही गॉट एन आइडिया और ही जनरेटेड और रीजनेबल फोकस किया, सुधार करने पड़ेंगे। सो उपनिषद पे उनका फोकस रहा, उपनिषद एंड वेदांता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदांता पे इनका फोकस रहा। लेटर ऑन आप पढ़ेंगे कि वेदांता कॉलेज की स्थापना, राइट, वो आप पढ़ेंगे। प्लस बाइबल इन्होंने पढ़ी थी, और इन्होंने आपके पास कुरान, इसकी भी शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। तो इन सबके कॉम्बिनेशन पे इन्होंने जो है टीचिंग्स जो ली, और ये चाहते थे कि एक कल्चरल और सोशल यूनिटी, एक एकता बनी रहे सब जन में। तो इनकी टीचिंग बेस्ड ऑन वेदांत, उपनिषद, बाइबल एंड कुरान। सो हिंदुइज्म, देन क्रिश्चियनिटी, बाइबल एंड कुरान फॉर मुस्लिम, ओके। सो ये इनकी टीचिंग्स इन पर बेस्ड हैं। चलिए, सो होप क्लियर है इनकी टीचिंग्स किस किस पे बेस्ड है। सो उपनिषद एंड वेदांत एंड बाइबल एंड कुरान पे बेस्ड है, ओके। चलिए नाउ, अब मेरा एक सवाल है आपसे कि इनकी बुक्स बड़ी फेमस हैं, इनकी दो किताबें हैं वो बहुत ज्यादा, दो पुस्तकें हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हैं, दैट वाज रिटन बाय राजा राम मोहन रॉय। सो एनीबडी, जो भी कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें जो है इनकी जो है वो फेमस हैं। ओके, सो मैसेज आया हुआ है कि किसी को प्रिंसिपल सिद्धांत समझने हैं। सो अगेन रिपीटिंग, इनकी टीचिंग्स जो है वो किससे जो है वो ज्यादा प्रभावित हुई। सो अगेन रिपीटिंग, उपनिषद से, क्लियर है, राइट, वेदांत प्लस बाइबल, आई एम राइटिंग अ बाइबल एंड देन कुरान, कि इनके जो सिद्धांत हैं वो इन जो है टीचिंग्स पे या इन आपके पास विषयों पर जो है आधारित हैं। उपनिषद सबको पता है कि वेदों की नॉलेज, टीचर के सामने बैठकर जो स्टूडेंट्स नॉलेज ग्रहण करते थे वेदों की, उसे हम उपनिषद बोलते हैं। वेदांत दो शब्दों से बना है, वेद प्लस अंत, मतलब द कंक्लूजन ऑफ द वेदास, ओके। देन बाइबल जो क्रिश्चियंस की एक रिलीजियस
आपके पास टेक्स्ट बुक है कुरान, जो कि इस्लाम या मुस्लिम्स की जो है वो रिलीजियस टेक्स्ट बुक है। नाउ क्लियर ना? ओके, सो प्रिंसिपल्स या टीचिंग्स यहां पर आपको आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। चले, तो मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल था कि इनकी बुक्स, दो बुक्स बड़ी फेमस हैं। एनीबडी? यस, तो सौरभ, गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। या प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस इन्होंने कहा, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट 1809 एंड 1820। या वेरी गुड। सो 1809 में इनकी एक पुस्तक आती है, ठीक है, जिस तरह से सौरभ जी लिख रहे हैं गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट, राइट। सो गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, हमेशा याद रखें मोनोथीस्ट, मोनोथीज्म, ठीक है। सो मोनोथीस्ट या मोनोथीज्म, ये एक ईश्वरवाद को, मोनो मतलब क्या है, सिंगल, कि एक ही भगवान, भगवान परमेश्वर ईश्वर अल्लाह सब एक ही हैं। सो 1809 एंड 1820 अगेन। सो रजत जोशी जी कह रहे हैं प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, यस। सो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, सो इन्होंने जीसस क्राइस्ट की जो भी लेसन्स थे या टीचिंग्स थे उनको भी आगे इन्होंने जो था फैलाया। सो ये इनकी दो किताबें हैं, 1809 एंड 1820, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलते हैं आगे। आवाज नहीं आ रही, ओके, साउंड नहीं आ रही है, ओके, वेट वेट वेट, आई गेस टेक्निकल इशू है, वेट करें आप थोड़ा सा। हाँ जी, हेलो, अब आ रही है आवाज? चलिए, अगेन रिपीटिंग आवाज आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा। सो 1809 में इनकी एक पुस्तक आई, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, क्लियर है? मोनो मतलब मैंने बताया सिंगल, राइट, तो मोनोथीस्ट का मतलब है ईश्वर अल्लाह प्रभु सब एक हैं। एंड 1820 में इनकी किताब आई है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, क्लियर सबको? ओके, चलते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताएंगे, इनकी पहली जो बेसिकली ब्रह्मो समाज का गठन तो किया ही किया है, ब्रह्मो समाज का पुराना नाम क्या था? आने बढ़े, ब्रह्मो समाज का पुराना नाम क्या था? चलिए, गुड, या रिप्लाई। तो ब्रह्मो समाज का पुराना नाम क्या था, सबसे पहला इन्होंने गठन किया था? चलिए, फर्स्ट अगेन इश्यू ऑफ साउंड, ओके, या गुड। सो सूफी मनोज हैव रिटन आत्मीय सभा, सो आत्मीय सभा, वेरी गुड वेरी गुड। सो सूफी मनोज 1814 में आपके पास इनके द्वारा पहला संगठन या पहला जो ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ उसका नाम है आत्मीय सभा। So this is very important. आत्मीय सभा, क्लियर? 1814 आत्मीय सभा, राइट, दिस वाज गिवन इन 1814, डेट आपको मेंशन होगी तमिलनाडु की, अगर आप गवर्नमेंट की बुक देख लें उसमें 1814 गिवन है, इवन आप स्पेक्ट्रम देख लें तो 1814 गिवन है, क्लियर? सो 1814 आत्मीय सभा वॉज established, okay? Okay, so then, रजत जोशी ब्रह्मो सभा की बात कर रहे हैं, तो अगस्त 1828, just add 14 to this, right? So 1828 में later on नाम चेंज हो गया और नाम क्या बनता है, ब्रह्मो सभा या ब्रह्मो समाज। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, सो ब्रह्मो सभा या ब्रह्मो समाज, क्लियर? किसी को भी डाउट हो रहा है, कोई 1815 लिख रहा है, तो जस्ट क्लियर कर दूं कि आत्मीय सभा 1814, एनसीईआरटी ले लो चाहे तमिलनाडु की आप जो है हिस्ट्री की बुक ले लीजिए, मेंशन 1814 ही है, ओके, एंड एड 14 टू इट टू रिमेंबर 1828 में नाम चेंज होकर क्या बना, ब्रह्मो सभा बना,
ब्रह्मो समाज बना। ओके, सो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है, यस रजत जोशी यस 1814 करेक्ट है 1814। ओके चलते हैं, सो होप आपको समझ आ गया होगा। अगेन रिपीटिंग, ठीक है फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। देखिए डेट कैसे याद रखनी है, 1809 देन 1814 देन 1820 देन 1828 1828। सो आपको याद होगा 1809 में क्या हुआ, 1809 में किताब आई गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, क्लियर ओके। 1814 में पहली ऑर्गेनाइजेशन, पहला संगठन इनका आया आत्मीय सभा, ओके और आफ्टर 1820, आफ्टर दिस 1820 में इनकी पुस्तक आती है, कौन सी इनकी बुक आती है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस एंड 1828 अगस्त 1828 में ब्रह्मो सभा या ब्रह्मो समाज आता है। सो होप इतना क्लियर होगा, आशा करता हूं क्लियर होगा आपको ये सब, ठीक है चलेंगे आगे चलते हैं, क्लियर है आप लोगों को, चलें आगे चलते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट, इसी के अंदर राजा राममोहन रॉय के अंदर ही, ठीक है तो इसी टॉपिक के अंदर आगे बढ़ते हैं। सो मैं एक जिक्र करने जा रहा हूं एक कॉलेज का, यस सो दिस वन हिंदू कॉलेज। सो आपको क्वेश्चन यही है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की और कब की। चलिए जब तक आप ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जो है इसका जवाब दीजिएगा, ओके आता हूं मैं। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना, यस मोनिका शर्मा 1817 डेविड हेयर, ओके एनीबॉडी एल्स, किसी का कोई और जवाब हो, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। यस गुड गुड, चलिए रिप्लाई करिए यार, चलिए शुरू करते हैं फिर से। सो हिंदू कॉलेज की स्थापना जिस तरह से मोनिका जी ने कहा कि 1817 या बिल्कुल राइट आंसर है 1817 20th ऑफ जनवरी, सो डेट जनरली जो मेंशन है दैट इज 20th ऑफ जनवरी राइट 1817 हिंदू कॉलेज की जो है वो स्थापना की गई बाय द एफर्ट्स ऑफ डेविड हेयर DAVIDHARE डेविड हेयर, ठीक है एंड ही वॉज सपोर्टेड बाय राजा राममोहन रॉय। कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन पे बता दें। नहीं मदन मोहन मालवीय, हिंदू कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द हेल्प ऑफ राजा राममोहन रॉय बाय डेविड हेयर राइट ओके एंड इट इज 1817 बाय डेविड हेयर 1817 20th ऑफ जनवरी 1817। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, 20th ऑफ जनवरी 1817 ही है और जनरली आंसर इज डेविड हेयर। मदन मोहन मालवीय की अगर मैं बात करूं राइट और इन्होंने और एनी बसंत ने मिलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव रखी है, ओके सो हिंदू कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1817 20th ऑफ जैन बाय डेविड हेयर राजा राममोहन रॉय की सहायता से। सो डेविड हेयर कौन है, डेविड हेयर जो है एक फाइलैंथ्रोपिस्ट हैं, फाइलैंथ्रोपिस्ट थे
फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है समाज सेवी, सो फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब समाज सेवी या मानव प्रेमी। इनके द्वारा, डेविड हेयर और राजा रामोन के एफर्ट्स के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। ओके क्लियर चलेंगे। हिंदू कॉलेज 1817, 20th ऑफ जनवरी, डेविड हेयर। ओके चलते हैं। सो होप क्लियर है। सो मैं आगे बढ़ता हूं, राइट। सो हिंदू कॉलेज, अगेन मैं फिर से समराइज कर देता हूं एक बार। राजा रामन रॉय, ब्रह्मो समाज हम पढ़ रहे हैं और राजा रामन रॉय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो मैंने बात की कि राजा रामन रॉय पहले सुधारक रहे, सामाजिक और धार्मिक सुधारक रहे। 1809 में इनकी किताब आती है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, क्लियर। और 1820 में, 1814 पे आते हैं पहले, तो आत्मीय सभा का गठन किया। 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस इनकी दूसरी किताब आती है, और 1828 ऑफ अगस्त में ब्रह्मो समाज या ब्रह्मो सभा का ये गठन करते हैं। सो क्लियर है। और उससे आगे मैंने बात की कि अभी रिसेंटली बात करके आता हूं कि 1870 वेदांता कॉलेज, 1870 सॉरी नॉट वेदांता बट हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई डेविड हेयर के द्वारा विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय, विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। 1899 नहीं हो सकता क्योंकि 1833 में आपके पास डेथ हो जाती है राजा राम मोहन रॉय की। ओके अब आते हैं वेदांत कॉलेज पे। यस सो लुकेश गुप्ता जी कह रहे हैं 1825 वेदांत कॉलेज, वेरी गुड वेरी गुड। सो 1825, सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेदांत कॉलेज, सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई, राइट। किस लिए? वेयर कोर्सेज इन बोथ इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेज जो थी, मतलब दोनों वेस्टर्न जो है नॉलेज, वेस्टर्न साइंसेज की भी नॉलेज, पश्चिमी विज्ञान की भी एक तरह से नॉलेज देना, और इंडियन की लर्निंग जो है वेदों की नॉलेज इस प्रकार से, तो उस पे भी जो है वो काफी प्राथमिकता दी गई। और 1825 में गठन हुआ किसका? वेदांत कॉलेज का। 1825 में गठन हुआ वेदांत कॉलेज का, ठीक है जी चलेंगे। सो 1817, 1817, 1817 में मैंने बात की किसकी? 1817 में मैंने बात की हिंदू कॉलेज की। ओके बाय डेविड हेयर। डेविड हेयर जो कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे, जो कि एक मानव प्रेमी थे। चलें आगे बढ़ते हैं। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, चलिएगा चलिए आगे। अब 1817, नाउ देन 1820, आपके पास 18, आपके पास 25, नाउ 1829। ये डेट आई गेस कोई भी नहीं भूला होगा, राइट। थैंक्स संदीप थपलियाल। चलो 1829 ये डेट सबको याद होगी जनरली, 1829। यस क्या हुआ था 1829? चलिए जल्दी जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, व्हाट हैपेंस इन 1829। चलिए इंतजार है, 1829 में क्या हुआ? सो विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से? सो विलियम वेंटिक, किसकी मदद से? विलियम वेंटिक की मदद से। ओके सो विलियम वेंटिक की मदद से आपके पास, ठीक है, आपके पास इसकी मदद से आपके पास 1829 में एक एक्ट वॉज पास्ड, या ज्यूरी एक्ट। तो एक एक्ट वॉज पास्ड, ठीक है, जिसके तहत कौन सी प्रथा को खत्म किया गया?
सती प्रथा। तो सती प्रथा, तो सती प्रथा को खत्म किया गया, तो सती सिस्टम को खत्म किया गया बाय विलियम बेंटिक। सो बाय विलियम Bentinck, yeah, Sati got banned, William Bentinck. So anybody, what is the title given to William Bentinck? Who established Vedanta College? Vedanta College was established by Raja Ram Mohan Roy in 1825, okay? हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं राजा राम मोहन रॉय की ही। चले, सो मैं पूछ, मेरा सवाल क्या है कि विलियम बेंटिक की उपाधि क्या थी, टाइटल क्या था? यस, सो विजय जी आपके पास बोल रहे हैं फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। यस, विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिक। तो इन्हीं की मदद से 1829 में आपके पास सती प्रथा को खत्म किया गया, राइट? चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इनके एक और, इनकी एक आपके पास बंगाली वीकली, इन्होंने एक जर्नल शुरू किया था, बंगाली वीकली इन्होंने एक जर्नल शुरू किया था 1821 में, 1821 में इनके द्वारा एक बंगाली वीकली शुरू किया गया था, राइट? सो होप किसी को नाम याद होगा। सो संवाद कौमुड़ी करके, संवाद कौमुदी करके या कौमुड़ी करके, संवाद कौमुड़ी करके इनका एक बंगाली वीकली, एक हफ्ते का जो हर हफ्ते आपके पास जो आता था, वीकली आता था संवाद कौमुड़ी नाम से। तो इनका एक जर्नल है जो 1821 में जनरली प्रकाशित हुआ, पब्लिश होना शुरू हुआ। सो बंगाली वीकली, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। अगले ही साल, अगले ही साल 12 अप्रैल 1822 को, अगले ही साल 12 अप्रैल 1822 को अगेन, या सो संवाद कौमुड़ी, यस मोनिका शर्मा, संवाद, संवाद SAMVAD, संवाद कौमुड़ी बंगाली वीकली 1821, और 12 अप्रैल 1822 को इनकी एक न्यूज़पेपर प्रकाशित होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी एक न्यूज़पेपर प्रकाशित होती है, ठीक है? चलिए, अब मैं किसी से जानना, आप सब एक क्वेश्चन है कि इनके राजा राममोहन रॉय के समय पर इनके कॉन्टेम्परेरी एक मुगल शासक थे, इनके कंटेम्प्रेरी एक मुगल शासक थे, नाम बताएं क्या नाम था उनका, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए क्या नाम था उनका। या गुड, सूफी मनोज है मिरात उल अकबर एंड पर्शियन, पर्शियन वीकली। सो इनकी एक जनरली पर्शियन वीकली, ये भी वीकली है, पर्शियन वीकली और नाम, सो सूफी मनोज वेरी गुड। तो इनकी तरफ से नाम है मिरात उल अकबर, मिरात उल अकबर, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मिरात उल अकबर इनके कंटेम्परेरी एक मुगल शासक थे जिनका नाम था अकबर द्वितीय। 1806 से लेकर 1837 तक, 1806 to 1837 जो मुगल शासक थे उनका नाम क्या बोला मैंने, अकबर द्वितीय, राइट? सो मिरातुल अकबर नाम का इनका एक वीकली आता था। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि Soon it was, soon this weekly जो newspaper था, इसको क्या कर दिया गया, ban कर दिया गया by British government, it got banned, क्यों? क्योंकि ये government को क्या कर रहा था, British government को criticize कर रहा था, निंदा कर रहा था। Yes, Akbar to, good good, Akbar to 1806 to 1837, okay?
सो मिरातुल अकबर जो है एक पर्शियन वीकली आपके पास लॉन्च की गई किनके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, देखिए बंगाली भाषा में भी, पर्शियन भाषा में भी, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्शियन भाषा में भी और बंगाली भाषा में भी इनके जो द्वारा जो है वो जनरल्स आ रहे हैं। तो क्या खास बात क्या नजर आ रही है कि ये डजन्स ऑफ लैंग्वेजेस, डजन्स ऑफ लैंग्वेजेस जानते थे, कि ये काफी ज्यादा भाषाएं ये जानते थे, ठीक है, जैसे संस्कृत, पर्शियन, अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, हेब्रू, ग्रीक, ये सब भाषाएं ये जानते थे। इसलिए तभी यहां पे क्या है, पर्शियन वीकली, इनको पर्शियन भाषा आती थी, बंगाली, बंगाल से तो थे ही ये, हिंदी इंग्लिश उनमें भी ये काफी ज्यादा जो थे वो जानकार थे। चलिएगा 1821 बंगाली वीकली, नाम क्या बोला मैंने, संवाद कॉमेडी, और 1822 पर्शियन वीकली मिरातुल अकबर। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अगर राजा राममोहन रॉय का नाम पर जाएं तो इनका जो टाइटल राजा है, टाइटल राजा, हु गेव दिस टाइटल राजा टू राममोहन रॉय? ये राजा उपाधि राजा राममोहन रॉय या राममोहन रॉय को किसने दी? चलिए सो एनीबडी जो मुझे पता है कमेंट सेक्शन में बता दे किसने दी है आपके पास, या मल्टी लिंगुअल नॉलेज, रनीश शर्मा जी, यस मल्टी लिंगुअल नॉलेज थी आपके पास राजा राममोहन रॉय को, डजन मोर देन डजन लैंग्वेजेस जो थी जानते थे, या सौरभ एंड रजत जोशी, यस। सो दिस राजा टाइटल वॉज गिवन टू राममोहन रॉय बाय अकबर टू, सो वेरी गुड। सो टाइटल राजा वॉज गिवन टू राममोहन रॉय बाय अकबर टू, अकबर द्वितीय, क्लियर है? टाइम पीरियड मैंने अकबर द्वितीय का भी आपको बताया, 1806 से लेकर 1837 तक, क्लियर। चल अब आगे बढ़ते हैं ब्रह्मो समाज के बारे में, आगे चलते हैं। सो अगर मैं बात करूं तो 27th of September 1833, ठीक है। सो एक जगह है ब्रिस्टल करके, 1833, ओके, जगह है ब्रिस्टल, ठीक है, ब्रिस्टल कहां पर, इंग्लैंड में। सो यहां पर इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सो यहां पर 27 सितंबर 1833 ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो जाती है। सो ब्रह्मो समाज के जो मेन या भारत के जो सुधारक है, प्रमुख सुधारक राजा राममोहन रॉय, 1833 में ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। चलिए सो आगे अब इस ब्रह्मो समाज का क्या होता है उसी के बारे में आगे जिक्र करते हैं। सो डेट क्या बोली मैंने, 27th of September 1833 ब्रिस्टल इंग्लैंड, यस। सो इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ओके। सो चलेंगे आगे चलते हैं, अब इसको फॉरवर्ड या इस ब्रह्मो समाज के कार्य को आगे कौन बढ़ाता है, एनीबडी कौन बढ़ाता है आगे? सो स्टेपलेटन, ब्रिस्टल, सूफी मनोज, यहां पर चलिए आगे कौन बढ़ाता है ब्रह्मो समाज के कार्य को, चलिए। सो मैं किनका नाम लिखने जा रहा हूं, चलेगा तो आगे कौन बढ़ाता है इनको, इनके कार्य को, तो वही जानते हैं। सो कौन बढ़ा रहा है आगे इस कार्य को, तो ब्रह्मो समाज के समाज को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया वो किसने किया, देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने, देवेंद्र नाथ टैगोर। सो अब हम करने जा रहे हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, यस। तो देवेंद्र नाथ टैगोर 1817 से 1905, वेरी गुड, 18, सो सौरभ जी वेरी गुड, तो 1817 से कब तक,
1817 से लेकर 1905 तक सबको पता है देवेंद्रनाथ टैगोर फादर ऑफ, देवेंद्रनाथ टैगोर किसके पिता थे कमेंट सेक्शन। सो फादर ऑफ, सो पहला नोबेल प्राइज लिटरेचर में पाने वाले जो शख्स जो शख्सियत हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता हैं कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। तो आपके पास आफ्टर द डिमाइस, यस रविंद्रनाथ टैगोर, वेरी गुड। सो कृपिका वर्मा जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सौरभ, यस रविंद्रनाथ टैगोर के क्या हैं ये? पिता हैं। सो आफ्टर द डिमाइस ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन 1833, देवेंद्रनाथ टैगोर कैरी फॉरवर्ड the reforms through Brahmo Samaj। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राममोहन रॉय की मृत्यु के बाद ये जो है कैरी फॉरवर्ड किया। ना क्वेश्चन अराइजेस, देवेंद्रनाथ टैगोर ने ज्वाइन कब किया ब्रह्मो समाज? व्हेन देवेंद्रनाथ टैगोर ज्वाइंड ब्रह्मो समाज? यस, सो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कौन कब ज्वाइन किया आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने कब ज्वाइन किया ब्रह्मो समाज? तो ज्वाइंड ब्रह्मो समाज, यस 18, सो आंसर इज 1842। सो 1842 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया, 1842। ओके चलिए, अब क्वेश्चन अराइजेस, क्या ब्रह्मो समाज या सौरभ राजपूत 1842 या 1842 इज करेक्ट आंसर? 1842 ज्वाइंड ब्रह्मो समाज इन 1842। ओके चलेंगे 1842। चलिए अगला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये है, ब्रह्मो समाज से पहले क्या किसी और सभा के भी ये आपके पास फाउंडर रह चुके हैं? मतलब ब्रह्मो समाज तो उन्होंने ज्वाइन किया, क्या उससे पहले भी ये किसी और सभा या संगठन के ये हेड रह चुके हैं या फाउंडर रह चुके हैं? एनीबॉडी कमेंट सेक्शन में जल्दी जवाब दीजिएगा कि ब्रह्मो समाज ज्वाइन करने से पहले इनके संगठन का क्या नाम था? यस इंजीनियर रजत जोशी, वेरी गुड। यस सौरभ राजपूत, वेरी गुड वेरी गुड। तो नाम क्या है इसका? तो नाम है आपके पास तत्व बोधिनी सभा। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तत्व बोधिनी सभा या ट्रुथ सीकर्स, या ट्रुथ सीकर्स, सच सत्य की खोज जो है एक संगठन बनाया गया, तत्व बोधिनी सभा या ट्रुथ सीकर्स। ओके राइट, सो अगेन रिपीटिंग, ज्वाइंट ब्रह्मो समाज 1842 एंड 6 अक्टूबर 1839 को ये पहले इनका जो संगठन जो इन्होंने गठन किया था उसका नाम है तत्व बोधिनी सभा। राइट, और तत्व बोधिनी सभा आपके पास कब? 6 अक्टूबर 1839 को। इनकी एक पत्रिका भी थी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनके द्वारा एक पत्रिका का नाम भी क्या है? तत्व बोधिनी पत्रिका, तत्व बोधिनी पत्रिका। एंड ये तत्व बोधिनी पत्रिका जनरली कौन सी भाषा में? सो ये बंगाल के बुद्धिजीवी हैं, सो भाषा कौन सी? बंगाली, ठीक है। यस वेरी गुड, सो सूफी मनोज ऑल्सो तत्व बोधिनी पत्रिका स्टार्टेड इन बंगाली, यस वेरी गुड वेरी गुड। तो तत्व बोधिनी पत्रिका इन बंगाली। सो होप यहां तक क्लियर है, यस रजत जोशी बंगाली भाषा में, बहुत बढ़िया। चले सो आई गेस ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। सो अब देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद मैं एक और शख्सियत की बात करने जा रहा हूं जो इनको ज्वाइन करते हैं, ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करते हैं। तो किसकी बात करने जा रहा हूं मैं अब? देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद कौन ज्वाइन करते हैं? आने बड़ी, हु इज गोइंग टू ज्वाइन देवेंद्रनाथ टैगोर? सो प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
हाँ जी, तो कौन ज्वाइन करने वाला है रविंद्रनाथ टैगोर को इन 1858? ब्रह्मो स्वराज वाज ज्वाइंड बाय, चलिए सो यहां पर हरमनदीप कौर जी कह रही है केशव रजत जोशी, केशव चंद्र सेन, सूफी मनोज केशव, यस सो वेरी गुड वेरी गुड। सो केशव चंद्र सेन, सो केशव चंद्र सेन जो है वो ज्वाइन करते हैं ब्रह्मो समाज को। कब ज्वाइन करते हैं आने बड़े? ज्वाइन ब्रह्मो समाज इन 1858 में ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करते हैं और देवेंद्रनाथ टैगोर इन्हें आचार्य की उपाधि देते हैं ब्रह्मो समाज 1858 आचार्य की उपाधि किसको? केशव चंद्र सेन को। यस गुड मोनिका शर्मा जी, 1858। नाउ 1858 इज द आंसर, 1858 राइट। सो आप देखिए केशव चंद्र सेन है, 1838 से लेकर 1884 ही ज्वाइन दिस ब्रह्म समाज इन 1858 एंड गिवन द टाइटल आचार्य ओके चलिए थोड़ा सा ब्लर्डनेस आ रही है तो मैं आपको इसी समय इसी को फॉरवर्ड करूंगा कल, इसी को आगे ही मैं फॉलोअप करूंगा कल सेम टाइम पे 11 बजे। चलिए सो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके इसके रिगार्डिंग होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आशा करता हूं कि सब कुछ आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, प्लीज शेयर एंड लाइक अवर पेजेस फॉर मोर वीडियोस। आशा करता हूं आप सबको पसंद आया होगा राइट। थैंक यू ऑल, थैंक्स।